जी सर, आप बिग बॉस देखते हो? हाँ सर, देखते हैं। अच्छा, तो ये बताओ, पूरे बिग बॉस हाउस में सबसे घटिया इंसान कौन लगता है? सर पूजा इतनी घटिया इंसान है पूरे बिग बॉस हाउस में, पता नहीं अपने को क्या समझती है। वो जो बोले, वो जो सोचे, वही सही है, और बाकी सब मतलब बोलते ना पागल है, वही सही है। अरे पूजा हट, अरे हट, ऐसी वाहियात और घटिया औरत न मैंने कभी देखी और ना होगी। बिग बॉस का तो आदत ही है साला फ्लॉप स्टार्स को उठा लो और उनके किए गए जो पुराने टट्टी होते ना उस पे पर्दा डाल सके, समझ रहे हो? और इनसे तो अच्छी मेरे को वो लगती थी, वो पुराने सीजन में कौन आई थी जो बोलती है बाप पे मत जाना। अरे मैं क्या बताऊं, मेरे को इतनी फ्रस्ट्रेशन आ रही ना, मैं आपको भी शब्दों में नहीं बता सकता। और इनको क्या लगता पता है, कोई भी औरत अगर अधेड़ उम्र की हो ना, उसके अंदर कूट कूट के ज्ञान भर जाए, अरे उसको कोई बताओ। और उसको मैं तो कहना चाहता हूँ, उसका कोई डॉक्टर ना तो उसको लंच के टाइम पे उसके खाने के साथ गलत फहमी की गोली भी दे, ताकि उसकी ये गलत फहमी दूर हो कि वही सबसे ज्यादा ज्ञानी। और ये एक तरह से पाए थे, ये क्या दिखाएगी पता है कि ये पहले जिसके साथ मतलब इसका बन रहा है उसके साथ भी, और जो इसके दुश्मन है दोनों की तरफ ऐसे चलता रहे, समझे? और ये संस्कारों की बात करती है, संस्कार मैंने देखा था उसमें, मेरा तो खुन्नस आ गया था, पता है इतना खुन्नस कि बस मैं बता नहीं सकता। लेकिन ये क्या बोल रही है, संस्कारों की बात करती है, इनके खुद के अपने सगे बाप से चुम्मा लेते, यही हमारी इंडिया का कल्चर क्या? ये है हमारे इंडिया का कल्चर और संस्कार, ये सब संस्कार? और ऐसे लोग संस्कार की बात करते ना तो भाई ऐसे ऐसे लगता है कुत्ता बोल रहा है भैया कि कुत्ते की मौत मत मार। अरे इससे तो अच्छी बेबिका है, बेबिका कम से कम जैसी दिखती है वैसी है तो। बेबिका क्यों, आप बेबिका के बारे में कुछ बोलना चाहते हो? सर बोलना, कुछ कहना चाहता हूँ। अगर सर बेबिका को ऐसा झुका के तो दोस्तों, अभी थोड़ी मारपीट हो गई थी तो आपके भाई लगी तो नहीं? यार आप बहुत ही ज्यादा भरे बैठे हो यार। चलो कोई बात नहीं, अब ये चीज नहीं पूछते हैं। आपको पसंद कौन है बिग बॉस हाउस में? आपको कौन पसंद है बिग बॉस? मनीषा रानी। मनीषा रानी। आपको? एलविश यादव। और आपको? फुकरा इंसान। फुकरा इंसान, अभिषेक। ओके, कोई बात भाई, आपने तो पूछ लिया हम लोग से, अपना बता दो कुछ, क्या कैसा लगता है, क्या है? अरे मैं क्या बताऊं यार, तुमने इतनी खुंदस निकाली दी ऑलरेडी, और मेरे को भी पूजा तो ऐसी लगती है, बस उसका नाम ही पूजा, वो चाहती है उसकी सब पूजा करते रहे, तो ऐसा तो नहीं है भाई। एक तो इनका माइंडसेट था कि भाई यूट्यूबर कुछ होते ही नहीं है, एक्टर मतलब ऐसे समझते थे यार क्या, ये तो बस यूट्यूबर ही तो है। मतलब अब पता चल रहा है ना भाई यूट्यूबर क्या है, ये मतलब अपनी उसी सोच में घूम रहे थे कि भाई बस कहाँ, बस टीवी सीरियल है, मतलब मूवीज कर ली। भाई यूट्यूबर का अभी जमाना है, ट्रेंड चल रहा है, तुम कुछ नहीं हो, समझे ना? तुम एकदम चूहिया मान लो, चूहिया पहाड़ की नीचे चूहिया दब जाती है ना, बस वही रह गए हो, तुम कुछ नहीं हो। अभी यूट्यूबर का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो ये बात आप समझ में आ रही होगी आप लोगों को। हाँ तो बस यही कहना था मेरा। और अविनाश तो है ही है भाई, वो खुद ही विनाश है, उसका तो विनाश हो ही गया, आपको निकल ही जाएगा इस बार। और एक बात जो खुशी है, अभी लास्ट जो देखा था एपिसोड, उसमें मतलब अपने अभिषेक भाई मतलब पहुंच गए हैं, फाइनलिस्ट बन गए हैं भाई, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। और जान ही थे यार वो, समझ रहे ना, वो जान ही थे। अब बचे हैं अपने एल्विश भाई, मनीषा रानी, तो ये एल्विश यादव भाई अपना सिस्टम भाई उनका चलता है, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो इनकी फट रही है। पूजा कल देखा था ना, मतलब जो देखा था लास्ट एपिसोड, पूजा भाई ऐसी चढ़ा रही थी, मतलब पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा कि मतलब मेरे को तो लग रहा है रात में सोई नहीं होगी वो, इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थी ना, कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, मतलब ऐसा हाल हो गया था, बस रोना ही निकलने वाला था, मतलब कुछ भी कर रही थी वो। पर कोई नहीं, जैसा ये है उनको अपनी औकात पता चल रही है, और यूट्यूबर की भी औकात समझ में आ रही है, तो बस यही है। और दिल से सपोर्ट है अपने यूट्यूबर भाइयों को, अभिषेक मलान और अपने एलविश यादव सिस्टम, और मनीष रान भी अच्छा कर रही है, उसको भी सपोर्ट है, तो आप भी सपोर्ट करना आपका जो फेवरेट हो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखती रही माई डैडी मस्ती, बाय बाय।